इसे फैक्ट्री में आग लगी है और 7-8 गऊ जल के मरी है। के बात होगी सरदार भाई, देखा होगा आपने, आत्मा रो हमारी, हम तो दिन रात इन्हें बचाते हैं ना, और आज हमारी गौ माता जल की राख होगी यार, वो बचानी है को नहीं बचाए हैं, ये तो बाद में पूछे ना, तो गौ माता भी बचनी थी। बोला की बंद करवा दे भाई, ये तो भाई आगे जूम करिए भाई, चोट लाग जाए भाई, ना करवाइयो बंद, बंद चले गए 8-9 गऊ जल के मरी है। फिर गऊओं का इस फैक्ट्री के पास के लेना दे, और प्रशासन पूरा अलर्ट हो रहा है, चारों तरफ जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी है के ऊपर काबू पाने के लिए। फिलहाल यो फैक्ट्री किस चीज की थी भाई साहब? छज्जे का तला ना चाहिए भाई, छज्जे का तला ना चाहिए। यो इस जगह पर जो है यार दिखा दे भाई, इस जगह पर जो है खड़ा खोद दिया गया है भाई। फिलहाल देवसर गांव के अंदर हम मौजूद हैं, जिला भिवानी, तहसील भी भिवानी। और ये देख लो भाई अड़ा इस धुमा दिखा भाई, अड़ा आग लग रही है, किस चीज़ की फैक्ट्री में आग लगी। मौके पे हम पहुंचे हाँ, और वो देख लो भाई शामी ये आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड भी आ रही है, और तसल्ली तो सारी की सारी चीज़ दिखाओ भाई, क्या की फैक्ट्री थी सारी की सारी बात पूछांगे। और सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है गऊँ भी जड़ के मरी है, और ये देख लो भाई उस साइड आइए, इस साइड आइए, धुमा दिखा मेरा आग वगैरह आग यह लग रही बैड है ना, आगे कौन जानते भाई, हाँ प्रॉपर जूम करके दिखा दे भाई, रुके भाई रुके रुके उरे रुके हमें, ये देख लो भाई ये फिलहाल ये आग लग रही है, और ये फायर ब्रिगेड की, और साथ में ये सरदारा भाई साहब वो इस साइड करिए भाई, कैमरा मैन को गले गले आज भाई भाई गोरक्षक सरदार भाई जी भी पहुंचे गले, तो इन्हें पूछा भाई के कारण रहा कुकर आग लगी, क्या फैक्ट्री है? राम राम भाई साहब क्या सूचना मिली आप एकदम? सूचना मिली है कि यार इसे फैक्ट्री में आग लगी है, हाँ। और 7-8 गऊ जल के मरी हैं। अच्छा, तो इस फैक्ट्री के केमिकल की फैक्ट्री है, उसके पास है, उसके पास इन्हें गऊ बांधी है क्यों भाई? अच्छा हाँ, चलो उस टिब्बे पर देखेंगे, मुआयना करेंगे भाई किस तरह के हुआ है। ठीक बात है, और अच्छा प्रशासन एक्टिव है, हाँ पहुंच चुके हैं यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई है, कहीं पहुंच रही है। तो हमने सोचना मिली, हम एक प्रोग्राम में जा रहे थे राजस्थान में, गौशाला का प्रोग्राम था कोई, तो वहाँ से हमने पता चला कि 8-9 गऊ जल के मरी हैं। फिर गऊओं का इस फैक्ट्री के पास के लेना देना है? हाँ, तो यो देखेंगे ना भाई क्या मैटर है, किस तरह के होया है यो, तो भाई यो देखने लग रहे भाई सारी की सारी प्रॉपर गिनवा दे, एक वहाँ खड़ी फायर ब्रिगेड, 2-3 एक अंदर खड़ी है, 4-5-6-7 सात तो ये गिनती मान लग रही है, अरे एक या पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, और प्रशासन पूरा अलर्ट हो रहा है, चारों तरफ जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी है, हाँ पब्लिक को बचाने के लिए प्रशासन लग रहा है भाई लगातार, और आगे की जानकारी साथ के साथ आपको देते रहूँगा। एक फायर ब्रिगेड आगे खड़ी है। पहले तो प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करूँ जो पब्लिक को बचाने के लिए सुरक्षा देने के लिए पहुँच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भिवानी प्रशासन एक्टिव है, लेकिन जो गौ माता जली है यार, तो यो बहुत गलत काम होया है। वो दिखा दे भाई, ओड़ा पूरा प्रयास जारी है आग को के ऊपर काबू पाने के लिए। फिलहाल यो फैक्ट्री किस चीज की थी भाई साहब आपको? कोई केमिकल की फैक्ट्री है, गद्दा फैक्ट्री, गद्दा ही फैक्ट्री है। इस साइड आके बातचीत करें भाई, इस साइड आ जाए, वो देख लो भाई प्रशासन जो है लगातार चारों तरफ पूरा अलर्ट हो गया है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंच गई है, लगातार आग के ऊपर काबू पाने की पूरी पूरी कोशिश करने लग रहे हैं। अच्छा यो देवसर है नहीं? हाँ देवसर गांव है भाइयों, देवसर जिला भिवानी, तहसील भिवानी, तहसील भिवानी। ठीक बात है, हाँ गौवान है। चलो भाई देखा एक बार कि कुछ गऊओं की भी कोई सूचना मिली है यहाँ पर, और धुम्मा दिखा दे भाई, और तो देख लो भाई पूरा प्रेशर जो है, नुकसान होया भाई फैक्ट्री में, काफी नुकसान होया है, काफी नुकसान हुआ है, दिखने और लग रहा है आग लग रही है। हां भिवानी प्रशासन ने पहुंच चुका है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, जो कि लोगों को सुरक्षा देने के लिए यहां पहुंचा है। बिल्कुल, जो गौ माता यहां मरी हैं उन पे हम कितना एरिया में महसूस कर रहे हैं, यो देख लो भाई पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट है। कितनी गौ मरी हैं? हाँ भाई आगे देखो भाई, एक बार प्रॉपर तरीके दिखा दे भाई, पूरा पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है, चारों तरफ जो है पब्लिक को अंदर नहीं आने देने लग रहे हैं, ताकि जो है किसी प्रकार की हानि ना हो प्रशासन की जो है। हाँ जी भाई, भिवानी स्टाफ तय दिल से धन्यवाद करा, बिल्कुल जो की सुरक्षा देने लग रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुरक्षा जो है भिवानी का स्टाफ देने लग रहा है, पूरी कोशिश करने लग रहा है,
और ये देख लो भाई, ये आप देख लो। अच्छा सिलेंडर पर साइड, अच्छा किस चीज की फैक्ट्री थी भाई साहब, एक बार कुछ बातें पूछ ली, एक मिनट किस चीज की फैक्ट्री? केमिकल की थी, केमिकल गद्दा की, गद्दा बने गद्दा का कवर, कवर बना है ना मालिक तो रहे जी। अच्छा गद्दे कवर, कवर बना गद्दा का था। तरीके से यह आग लगी इसके अंदर? ये अचानक हुआ जी, कोई मौका देखने था को नहीं किस साइड से आई है जी। अच्छा ज्यादा एरिया है ना जी, यूं नहीं पता चला किस साइड से। कितने बिजली एरिया में? ये एक एकड़ के आसपास है जी। अच्छा अच्छा इस साइड से आ भाई, कैमरा मैन ने कहूँ पर तसली था, परली साइड जो धुआंधार हो रही है वो दिखा दी, इस साइड से आ जाए भाई, सुरक्षा था ये जमा आराम तो बिल्कुल बच बच कर आ जाइए, और प्रॉपर तरीके तो आगे की जानकारी भी आपने दें दे रहे। यो देख लो भाई आग, हाँ जी सिलेंडर दूर रहिए भाई, अमित अमित दूर रहिए भाई, थोड़ा दूर रहिए, सिलेंडर थोड़ा फट भी सेगा भाई। हाँ जी भाई साहब है, हाँ बिल्कुल जिंदगी से जान है बिल्कुल भाई, थोड़ा सुरक्षित रहिए भाई, सारे के सारे भाई सुरक्षित रहिए। सिलेंडर बताओ भाई साहब थोड़ा, वो गुए गुए की साइड है, गुए इसी साइड भाई जी। अमित आ जाओ भाई इस साइड, आ जाओ भाई इस साइड आ जाओ, प्रशासन जो है बार बार रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं। क्या बात होगी सरदार भाई, गुआ गाल देखा होगा आपने? हाँ। आत्मा रो हमारी, हम तो दिन रात इन्हें बचाते हैं ना। हाँ। और आज हमारी गौ माता जल की राख होगी यार, कोई बचानी है को नहीं? किसकी लापरवाही लगा? नहीं यार लापरवाही फैक्ट्री वालों की, फैक्ट्री में गौ माता रखने का क्या इनकी हुआ थी? फिर बात नहीं हुआ ऐसे भाई, गौ सेवा प्रशासन देखो, मैं प्रशासन के आदमी भी देखो कितनी मदद खातिर लाग रहे हैं। हाँ। दिन रात एक धोखा लग रहे हैं, गौ तस्कर मुठभेड़ करे है, पकड़ने लग रहे हैं, और ये फैक्ट्री वाले देख लो आज ये पुलिस वाले किसी के बेटे कौन के, ये किसी के बाप कौन के, आग ला के उस टीम आगे करते हैं फैक्ट्री वाले, अगर से फैक्ट्री वाले नहीं कहते उनको, हम तो गोबक था, हम तो गोभक्ति में रख गए। नहीं ये गोभक्ति है, ये गोभक्ति के, ये गौ जल की राख होगी। अरे आग तो क्या जान करके लगाई होगी भाई साहब? नहीं आग तो जान करके नहीं लगाई, तो फैक्ट्री के अंदर क्यों रखे गए? मुँह मेरा के भाई यार किसी टाइम भी भाई दिक्कत हो सके फैक्ट्री के अंदर, और फिर भी गौशाला में ये गांव रोक रखी है फैक्ट्री के अंदर, कौन सा बढ़िया काम कर रखा है भाई? अच्छा यहाँ पे जली पड़ी हैं, आपने देखी होंगी? हाँ कैमरा प्रॉपर आ रही है भाई, देख ली, ये देख लो भाई, देख लो समाज, हम दिन रात एक करा हाँ। आत्मा रो भाई नू गऊ मरे हैं जिद, और ये अपने अपने हिंदू बताऊ हैं कि हम हिंदूवादी हैं, और देख लो गऊ का हाल देख लो। इसमें मोटी गलती किसकी हो उसका ये बता दो आप, मोटी गलती फैक्ट्री मालिक की? फैक्ट्री मालिक तो नहीं कह देगा, मैं तो गौ सेवक हूँ, मैं तो सेवा करने खतर बांध, अगर सेवा करने खतर बांध रही थी किले दो किले प्रण बांध सका था। ठीक है यू कौन सा मतलब था कि इस फैक्ट्री के अंदर पता है भाई फैक्ट्री में किसी एटीएम भी ब्लास्ट हो सका है, आग लग सका है, तो गौ माता जा सके है, फैक्ट्री है भाई, इसमें सारी में केमिकल और फोम है। हाँ जी फोम और केमिकल में तो आग को डरने भी लग सका है, तो इसके में गौ का कोई मतलब ना था, इसी तो कोई जगह कोने के भाई बांध रखी इसने गौ, पूरे इसके गद्दा फैक्ट्री इसके बीच में इसने गौ बांध रखी है, ये आपने देखा होगा वीडियो में आठ गा है, थोड़े उल्टे उल्टे हो गए थोड़े, आग बढ़ती जान लग रही है, आग बढ़ती जान लग रही है इतनी। जो फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री लगाई है, केमिकल की फैक्ट्री है, गद्दा की फैक्ट्री है, इसने इतना तो बंदोबस्त रखना था कि भाई इसमें आग लग जाए ब्लास्ट हो जाए तो पानी की कुछ तो सुविधा दे सके थे। सर्वधन का लोभ इसके ऊपर क्लेम होना चाहिए फैक्ट्री के ऊपर, जो गौ माता मरी उनका जान माल की हानि नहीं होगी, जान माल की गौ माता मरी इस तो बड़ी जानवर के जाएगी है, लेकिन कोई इंसान का तो कोई ठेस नहीं, इंसान को किसी ठेस नहीं, इंसान बाज के लगड़ सके तो इनके भी जेवड़े काट सके थे। यो ईव गेट फोड़ दिया उस टाइम भी गेट फूट सका था यो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो पूरी प्रयास प्रशासन तो पूरा प्रयास करने लग रहा था कि प्रशासन का तो तय दिल से धन्यवाद करा जो बचा रहे हैं लोगों ने, कितने भाई काटे हैं इनने, कितने बचाए हैं, ये तो बाद में पूछे ना तो गौ माता भी बचनी थी। वो लगी बंद करवा दे लाका की, बंद करवा दे भाई, ये देख ले भाई आगे जूम करिए भाई, चोट लग गई भाई ने करवाई ये बंद, ओम प्रकाश बोलिए बंद करवा भाई ने, चलो हो गया डाउन, छूट गई देखिए हाथ में, दया हाथ में छूट गया था भाई, पर प्रेशर ज्यादा है तो ईब सरदारा भाई साहब इसका के तो ईब सरकार तक अपील करना चाहूँ, सरकार तक ये अपील है मेरी कि भाई जो भी फैक्ट्रिया के अंदर गौ बांधी जा हैं इनके ऊपर रोक लगाओ, कि भाई अगर गौ पालनी है तो
साइड में पाल दो, घरिया में पाल दो, 3 किलोमीटर दूर तो रखनी रखनी चाहिए। अच्छा इब आप आवाज उठाने लग रहे हैं, ठीक है मान्य आप गौ सेवक हम भी हैं सारे के सारे भाई हैं, लेकिन यो बेचारा इसका नुकसान भी तो हो गया, इसकी भी तो कोई भरपाई नहीं, इसकी गलती तो यार है, इसकी गलती तो यार है, फैक्ट्री तो और भी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसकी गलती हुई होगी। गलती तो कोई स्पार्क हो उसका है या फिर कोई और कुछ कारण, ईसा तो बंदोबस्त पानी की टंकी ईसा तो बना के रखना था कि भाई आग लगती तुरंत उस पर काबू कर लिया जा, आड़े जो लेबर काम करने लग रही है किसी के बच्चे जल जाते आड़े, फिर कौन जिम्मेवार था भाई? बिल्कुल जो लेबर कर रहे हैं उसका भी नुकसान है, उसका बच्चे तो उनके भी हैं, वो जल जाते फिर। अच्छा आसपास के तो है राजस्थान में बता रहे कि गौशाला की उद्घाटन था, ओपनिंग थी, उड़े जा रहे थे, उड़े मार दो रहे, फोन पूछा है कि भाई सिस्टर आग लगी और गौ माता मर गई, उड़े तो हम राजगढ़ तबाजी आए हैं। अच्छा अभी इनको निकालेंगे गौओं को जो है? हाँ हाँ इब तो इन निकलवा के माटी मुट्टी दिवावांगे भाई, एक बार पक काबू तो हो लिया, एक दो सिलेंडर और रखा गौआ बीच में सिलेंडर रखने का कौन सा काम था भाई? यू भी एक सवाल बना था कि अपना प्रशासन का एक भाई को था उस साइड ना था, उस सिलेंडर रखे प्रशासन यार, प्रशासन ने तो आगे मदद करने लग रहा है, प्रशासन का क्यों बार बार मुंह करे हो, प्रशासन तो मदद करने लग रहा है, प्रशासन ही बताना दे रहे और सिलेंडर दे रहे हैं, तो गौओं के पास सिलेंडर का काम है, यू भी पूछना है गौओं के पास सिलेंडर का काम है नहीं, यू फैक्ट्री मालिक से सवाल होना चाहिए ना कि भाई गौआ बीच में सिलेंडर का क्या काम है? अभी कहाँ पर है फैक्ट्री मालिक? अभी ये तो वर्कर है, नहीं अभी तो वर्कर आओगे, फैक्ट्री मालिक थोड़ी मिलेगा आपने, फैक्ट्री मालिक तो बाद में आओगा, क्लेम लेने खतरा होगा, वो तो इसमें हर्जाना दिखा के उसके बाद आओगा। चलो भाई ये तस्वीरें देखने लग रहे हैं आप देवसर गांव से, और कोई सी एक गा की भी बेल भी नहीं खोल रखी है, आठ गांव बंदी पड़ी है, भी कुत्ते का कोई सी की बेल नहीं झाड़ रखी है। अच्छा, हम फैक्ट्री मालिक के मान जाता भाई हादसा हो जाए अगर, लेकिन कोई सी गड़ की बेल की ताई भी गड़मा तो बेल नहीं झाड़ रखी गऊ के, वे आप बाजे हैं तो गऊ की भी बेल झाड़ सके थे, वो अपना आप बाज थी किंगे ने, किस तरह जड़ी होंगी हमारी गऊ, किस तरह करा के मरी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल ये तो इनके आत्मा जाना था, परमात्मा जाना, आत्मा इसी चीज खतरो मेरे भाई, यो दर्द ने बहुत अनरत हो गया भाई, यो गौ माता है अपनी और के दर्द नाक तमरी है भाई ये। चलो भाई ये तस्वीरें भाई सहन को नहीं हो रहा, भाई सहन होने की बात भी को नहीं, क्योंकि आप जीवा इन खतरे के बाद अपना धर्म धार्मिक पशु हर इसके गलत जो चीज होगी, मतलब आग जो ये फैक्ट्रिया में इस प्रकार तरह है इनके बारे में कहना चाहूँ, इनके ऊपर है ना भाई कार्रवाई करनी चाहिए कि फैक्ट्रिया में गऊ नहीं होनी चाहिए और कोई भी पशु नहीं होना चाहिए, उन्हें 12 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाहर दायरे में रखो, उन्हें पालने हैं तो नहीं तो इसी तरह फिर गऊ माता की कोई जीव की हत्या होगी। चलो भाई तस्वीर शेयर कर दियो, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।